उत्तर प्रदेश में पिछले छह वर्षों में हम लोग सात वर्षों में हम लोगों ने 6.5 लाख भर्ती की है, और मैं कहता हूं दावे के साथ इन भर्तियों में ओबीसी समाज की, साफ ओबीसी और एससी समाज की 60% भर्ती हुई है, 60% से अधिक भर्ती हुई है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर लोग प्रश्न खड़ा करते हैं, 69,000 नहीं, हम लोगों ने 1,25,000 भर्ती बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षकों की, और 69,000 जिन शिक्षकों की भर्ती के बारे में प्रश्न खड़ा किया जाता है, ये समाजवादी पार्टी के वही मोहरे हैं जो लोग 86 में से 56 एक ही परिवार और एक ही जाति विशेष के लोगों को भरने का काम किए थे, वे लोग आज प्रश्न खड़ा करते हैं 69,000 शिक्षकों की भर्ती में। बहनों और भाइयों, अगर केवल 27% ओबीसी के आरक्षण के हिसाब से भर्ती होती तो भर्ती होती 18,200, लेकिन भर्ती कितनी हुई 31,500। 31,500, उन्हें इस बात की चिंता है कि ओबीसी समाज अपनी बुद्धि से, अपने बल से, अपने पौरुष और पराक्रम से इतनी अधिक सीटें क्यों प्राप्त कर गया, और इसलिए इसे विवादित करना है, इसके लिए उन्हें बदनाम करना है, इसके लिए तमाम षड्यंत्र करने, इसके लिए तमाम प्रकार की साजिशें रची जाती हैं।